युव कांग्रेस रो यंग इंडिया केबल 2 कार्यक्रम उद्घाटित जातीय युव कांग्रेस पक्षरु यंग इंडिया केबल सीजन 2 कार्यक्रम को बरगड़ जिल्लार बरपाली रे शुभारंभ करा जायछि। राष्ट्रीय युव कांग्रेस रो राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा युव कांग्रेस रो ओडिसा प्रभारी नर्मदा सोनी आज ही कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। एनेई आज एक प्रेस मीट रे नर्मदा सोनी कार्यक्रम विषय रे सूचना दे कहिथिले जे राहुल गांधी को स्वप्न जे देशर प्रत्येक कोणरु युव प्रतिभा मानंकु लोकलोचन को आनिबा पई एहा एक प्रयास। सडकरु संसद जाय नूतन युव प्रतिभा मानंकु पठाइबा पई एही कार्यक्रम हातकु नै गत मार्च 26 तारिख दिन दिल्ली रे आरंभ हेबा परे गतकाली 26 तारिख दिन भुवनेश्वर रे आरंभ होई आज बरगड़ जिला बरपाली ठारे एहार उद्घाटन करागला बोली से प्रकाश करथिले। एही कार्यक्रम देशर प्रत्येक राज्य रे करा जाउछि। एही कार्यक्रम रे नूतन युव प्रतिभा माने एक निर्धारित फॉर्म पूरण करी प्रतियोगिता रे भाग नै पारिबे। परे जिला स्तर रे पुणी राज्य स्तर रे शेषरे जातीय स्तर रे एही प्रतियोगिता अनुष्ठित होई अक्टोबर 2 तारिख दिन सफल प्रतियोगी मानंकु पुरस्कृत करा जिबो। आजिर एही कार्यक्रम रे बरगड़ जिला युव कांग्रेस रो कार्यकारी सभापति सुशांत साहू अभिषेक सेठ तथा कांग्रेस काउंसिलर सरोज भोईंक समेत वरुण सागर सदानंद महानंद सदानंद गहिर जोगेश्वर बेहरा प्रमुख कर्मी उपस्थित थिले। मैडम आपका परिचय थोड़ा कीजिए। मेरा नाम नम्रता सोनी है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस और प्रभारी उड़ीसा के तौर पर यहाँ पे मौजूद हूँ और आज हम यंग इंडिया बोल इस कार्यक्रम का डिस्ट्रिक्ट लॉन्च करने के लिए यहाँ पे अपने प्रभारी साथियों के साथ में उपस्थित थे। तो ये आज जो प्रेस मीट बुलाए हैं किस लिए, क्या कार्यक्रम है? जी, यंग इंडिया के बोल युवा कांग्रेस का एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम युवाओं को जो है प्रवक्ता के तौर पर और संगठन में एक सक्रिय भागीदारी देने के लिए इस स्पीच कंपटीशन का आगाज कर रहे हैं। 23 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली से हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी और हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलवरू जी के द्वारा और समस्त वहाँ पे पद अधिकारी जो मौजूद थे उनके द्वारा इस कार्यक्रम का ऑलरेडी लॉन्चिंग हो चुका है और अब देश के विभिन्न राज्यों में उसी तर्ज पर यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का आगाज करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज डिस्ट्रिक्ट बरगर में मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए। इस कार्यक्रम के विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगी। इस कार्यक्रम की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम युवाओं का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में विधानसभा के लेवल की कंपटीशन, फिर उसमें जो चयनित हुए उनकी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन और डिस्ट्रिक्ट के बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से हम एक पूरी प्रक्रिया के तहत बड़ी पारदर्शिता के साथ युवाओं को चुनकर लेकर आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिनांक तय किए गए हैं, 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की हमारी जो तिथि है वो अंतिम तिथि है। ₹100 की एंट्री फीस हमने निर्धारित की है क्योंकि सीजन 1 के समय में हमने अत्यधिक प्रतिभागियों का जो एक पार्टिसिपेशन देखा है और इस बार पार्टिसिपेशन की गंभीरता को सुनिश्चित करते हुए हमने इस बार एंट्री फीस का जो है एक प्रोसीजर रखा हुआ है। और मैं आपको बताती चलूं कि 31 मई के बाद से 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक हम पूरे विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जो है युवाओं के उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के माध्यम से चयन कर कॉम्पिटिशन के लिए उनको बुलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन के बाद में 20 सितंबर तक हम जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का भी समापन करेंगे और 31 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में जो टाइम है उसमें हम नेशनल कंपटीशन का जो है ऑर्गेनाइज करने वाले हैं दिल्ली में, जहाँ पे हम राज्य से चुने हुए कुछ लोगों को लेकर, जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको लेकर नेशनल लेवल कंपटीशन में जाएंगे। यकीन माने कि जो भी प्रतिभागी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट या राज्य के लिए चुने जाएंगे वो तो आपके बीच में काम जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम लोगों तक, जमीन तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी भाषा, उनकी सोच के अनुरूप जो है बात को बहुत बेहतरीन तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और सड़क से संसद तक भी रख पाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में जो भी प्रतिभागी विषय से चुनकर आएंगे उनको राष्ट्रीय पैनल में जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी जगह दी जाएगी। बरगड़ चितरंजन साहू सह सूर्य नारायण दास को रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार।